तो यहाँ पर आपका हाथ बाई डिफॉल्ट टकरा ही जाता है, गलती से भी आपका हाथ गया टकराया तो सीएनजी का मोड बदल जाएगा, गर्मी लगने लगेगी। तो मुझे लगता है इसके जगह कुछ प्रोटेक्शन देना चाहिए था। अगर आपने मैनुअल ले लिया तो शिफ्टिंग कर करके परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट गियर में 50 के आसपास ही चली जाती, मतलब लिटरली। एक जमाना था जब सीएनजी कारें सिर्फ मारुति बेचती थी, लेकिन आज के वक्त में टाटा और ह्युंडई भी ढेर सारी सीएनजी कारें बेचती हैं। जो मेरे पीछे गाड़ी नज़र आ रही है ये है नेक्सॉन सीएनजी, जो कि ट्विन सिलेंडर के साथ आती है और 9 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में, अगर आपका कहीं भी बजट इसमें फिट होता है वहां पर आप नेक्सॉन सीएनजी में खरीद सकते हैं। मैं अपने एक ड्राइव रिव्यू के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि नेक्सॉन सीएनजी खरीदने के बाद में क्या आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट सीएनजी पर स्टार्ट होती है, कितना कंफर्ट ऑफर करती है। नेक्सॉन के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आपको बताऊंगा केबिन में कितनी आवाज़ आती है जब आप इसे सीएनजी पर चला रहे होंगे, कितना माइलेज देती है और इसकी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है क्या परफेक्ट है या नहीं, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह कैसे हैं इसका भी जिक्र किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं नेक्सॉन सीएनजी के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस के नेक्सॉन सीएनजी के। और इस नेक्सॉन सीएनजी में, मतलब पहली ऐसी सीएनजी गाड़ी है जो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, 1.2 लीटर का जिसका टर्बो पेट्रोल इंजन है, 100 पीएस का पावर आउटपुट देता है और 170 एनएम का टॉर्क देता है, मतलब ठीक ठाक नंबर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सीएनजी पे किस तरीके से परफॉर्म करती है उसका जिक्र किया जाएगा। ये गाड़ी अच्छी चीज़ क्या किया है इन्होंने कि भैया जब आप स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट सीएनजी में स्टार्ट हो जाती है, और ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो भैया अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे, क्योंकि जो सीएनजी गाड़ियाँ आती हैं उमूमन आपने देखा होगा तो किसी मिड वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट की तरफ, जहाँ पर लोगों को पैसा ही बचाना है तो गाड़ी भी पैसा बचाते थे और क्या करते थे कि भैया उनको सीएनजी में भी पैसा बच जाता था, मतलब उस गाड़ी के लिए, मतलब लोअर वेरिएंट की तरफ से ही रुझान होता था जहाँ पर सीएनजी गाड़ियाँ दी जाती थी। लेकिन ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको 9 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच का एक रेंज मिल जाता है, जहां पर आप कई सारी वेरिएंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कीमतें भी देख सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो, जितने आपको फीचर्स चाहिए वो आप चूज कर लीजिएगा। मैं इनका टॉप वेरिएंट चला रहा हूं तो यहां पर बहुत सारे फीचर मिलते हैं। यहां पर देखिए अब नेक्सॉन में पैनारोमिक सनरूफ आ गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जब मौसम अच्छा हो तो इस तरीके से खोल के रखिएगा तो अच्छा लगेगा। बाहर बनते करिएगा, कहीं जब ड्राइव कर रहे होंगे, गाड़ी चल रही होगी, कहीं पर मौका मिले तो फोटो वोटो भिजवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा इन्होंने साइज़ में दे दिया है तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसे सीएनजी पे चला रहा हूँ तो अगर आप सिटी में, मतलब 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसका जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको बताऊँ लिटरली काफ़ी हद तक रिफाइंड केबिन है और अच्छा लग रहा है, मतलब सीएनजी के साथ चलाने में। हालांकि अगर रेंज की बात करेंगे तो सवेरे शुरू किया था 150-160 किलोमीटर हुआ है, जो दिल्ली का ट्रैफिक है आप जानते हैं, भयानक ट्रैफिक में जब आप ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर रेंज तो बोल जाइए सीएनजी की, तो 25-25 वाली रेंज नहीं मिलने वाली है। और उसको कभी मौका मिलेगा लंबा तो हम चलाएंगे तो वहाँ बताएंगे, जब खुली सड़क होगी हाईवे वगैरह पर जिक्र करेंगे कि भैया कितना, अगर वहाँ पर ट्रैफिक का कोई बाधा ना आए, ट्रैफिक ना हो, सीधी सड़क पर चला रहे हो तो कितना माइलेज दे सकती है सीएनजी पे, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि अगर सीएनजी खत्म है तो अपने आप पेट्रोल पे चली जाती है, वहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी जब स्टार्ट होती है बाई डिफ़ॉल्ट सीएनजी में स्टार्ट होती है, आप यहां से अगर पेट्रोल शिफ्ट करना है तो यहाँ पर बटन दिया गया है, दबाना पड़ेगा फिर ये पेट्रोल में जाएगी। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करती है, जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 100%। हालांकि जब मैं इसे 0 to 100 करने की कोशिश कर रहा था, मैंने पूरा नहीं किया बट पिकअप देख रहा था, तो फर्स्ट गियर में 50 के आसपास ही चली जाती, मतलब लिटरली ठीक ठाक लगेगा वहाँ पे पिकअप, जो नंबर इन्होंने दिया है उस नंबर के आसपास नज़र आती है। बट जो गाड़ी का वजन है, क्योंकि काफ़ी लोहा लाट गाड़ी है, 6 एयरबैग है इसमें, स्टैंडर्ड मिलते हैं, सेफ्टी के बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, तमाम वो फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं जो आपको बहुत सारी लाखों करोड़ों की गाड़ियों में शायद देखने को ना मिले, किसी में आप करोड़ों चुका दें, लाखों चुका दें तब भी ना नज़र आए, तो वो भी फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट दी गई है तो कम्फर्ट, मतलब इस सीएनजी का कम्फर्ट भी आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो ये एक परफेक्ट फैमिली गाड़ी है, जिसमें अब सीएनजी तो लगी है लेकिन सीएनजी के साथ में एक बूट भी मैनेज कर दिया है, तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी एक अच्छा प्रयोग कह सकते हैं जो इसमें आया है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो यूज़र हैं वो बोलते हैं कि पूरा गैस नहीं आता है,
तो अभी मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा जब तक कि मैं इसे करीबन सीएनजी के साथ में 2-4 हज़ार किलोमीटर चला ना लूँ। ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है, गाड़ी आई है हमारे पास, हमें मौका मिला है जहाँ पर आपको बता दें सीएनजी इन्फो यहाँ पर सामने नज़र आता रहता है, सीएनजी 10%, पेट्रोल 90%, ये दिखा रहा है, मतलब सीएनजी कितना परसेंट बचा हुआ वो दिखा दिया, पेट्रोल कितना है इसमें वो दिखा दिया, जब आप शिफ्ट करोगे सब नज़र आता रहता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा, मतलब भाई साहब ट्रैफिक में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी जगह पे पार्क कर रहे हैं टाइट स्पेस में, वो वरदान साबित हो रहा है और बहुत ही अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। जो कुछ कमियां हैं थोड़ी सी ड्राइव करते हुए जो मुझे फील हुई वो बता देता हूँ। वो हमेशा नेक्सॉन का मैनुअल जब चलाता हूँ तो अपने आप यहाँ पे जो क्लस्टर दे रखा है, जो अपने आप टच होके चलता है, मतलब ये सब टच वाला पैनल है, आप जब देखेंगे सीएनजी ऑटो एसी ऑफ जो कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हाथ बाय डिफॉल्ट टकरा ही जाता है, गलती से भी आपका हाथ गया टकराया तो सीएनजी का मोड बदल जाएगा, गर्मी लगने लगेगी, समझा क्या हो गया, जब तक आप समझोगे तब जाके वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा दोबारा। तो मुझे लगता है इसके जगह कुछ प्रोटेक्शन देना चाहिए था या इसकी पोजीशनिंग थोड़ी और दुरुस्त करनी चाहिए थी, क्योंकि सच में मैं ही दिक्कत में नहीं हूँ, अगर आप भी कोई नेक्सॉन की गाड़ी चला रहे हैं पेट्रोल या कोई भी चला रहे हैं, मुझे पक्का पता है ये वाला प्रॉब्लम जो ये टच पैनल दिया हुआ है यहाँ पर, उससे दिक्कत तो कहीं ना कहीं आ रही होगी, आ रही या नहीं आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इस गाड़ी में यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के मिलते हैं, कहीं कहीं भी सामान लगाए यहाँ पे जगह मिल जाती है, इधर भी जगह मिल जाती है, उधर भी जगह मिल जाती है, बड़ा सा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, रियर सीट पे आर्मरेस्ट आ जाता है, और जिस तरीके की सीट की कुशनिंग है वो बहुत ही मज़ेदार है, कहीं से भी आपको बुरी नहीं लगेगी। जो कलर कॉम्बिनेशन खेल रही है टाटा अपनी नेक्सॉन के साथ या अपनी अन्य गाड़ियों के साथ, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो कलर है नीला नीला सा दिख रहा है, मतलब आसमान के रंग का, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आपको टाटा नेक्सॉन का कलर कौन सा पसंद आता है कमेंट करके बताइएगा। ट्रैफिक में चलाने में कैसी है तो बता दूं कि शिफ्टिंग अगर आपने मैनुअल ले लिया तो शिफ्टिंग कर करके परेशान हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक विकल्प के साथ भी आती है और मुझे लगता है उस तरफ आपको बढ़ना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप थोड़ा अपना हाथ को आराम आराम दे पाएंगे। तो ये चीज़ इसके फेवर में नहीं आती है, अगर सिर्फ मैनुअल्स के सहारे शहर में बेचेंगे तो आपका हाथ दुखने वाला है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। लेकिन अमित द्विवेदी ने जो एक्सपीरियंस किया है उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक परफेक्ट सीएनजी कार है, जहाँ पर अगर अभी लगता है कि पेट्रोल और डीजल आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है, शहर में चलाना है, तो अभी भी सीएनजी की जो रनिंग है वो कम पड़ती है कंपेयर टू अदर फ्यूल, और जिस तरीके की कीमत दी गई है मुझे लगता है कि 100% अभी भी इस गाड़ी, क्योंकि जो नंबर टाटा शेयर करती है उसमें एक स्ट्रॉन्ग नंबर नज़र आया है सीएनजी के तहत जो गाड़ियाँ ये लोग बेच रहे हैं, तो वो एक शुभ संकेत है सीएनजी के लिए भी। हालांकि अब सीएनजी की कीमतें अगर ऊपर जाएंगी तो मुझे लगता है ये नंबर गेम बदल भी सकता है, बट फिलहाल टाटा बहुत अच्छे काम कर रही है, अपनी बहुत सारी गाड़ियों को सीएनजी के साथ में लॉन्च कर रही है। टाटा इकलौती ऐसी कार कंपनी है जिसके पास डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, मतलब सब पर चलने वाली गाड़ियां हैं, तो फीचर्स का कंप्लेन कर नहीं सकते हैं, और स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी बना रहता है, नॉर्मल स्पीड पर ओवरटेकिंग वगैरह परफेक्ट रहती है गाड़ी की, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर बात करेंगे डिज़ाइन की, अगर बात करें ओवरऑल तो अच्छा लगेगा, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की बात की वो बहुत अच्छे से, मतलब देखेंगे तभी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से वहां पर इन्होंने रखा हुआ है। साथ में जब सीएनजी भरवाने जाएंगे वो भी बहुत ईजी है, मतलब जहां से पेट्रोल का ढक्कन खुलता है वहीं से सीएनजी वाला उसी जगह से एक्सेस हो जाता है, आराम से वो सीएनजी भर देगा, और चीज़ें बड़ी, मतलब सेफ्टी के तहत इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये फ्यूल भी जिस तरीके का इन्होंने दिया है जो बताते हैं वो भी काफ़ी सेफ लगता है। हेडलैम्प बहुत अच्छा है, जो इसकी लाइटिंग वगैरह है, पहले भी जिक्र किया था क्योंकि रात में चलाया था, हालांकि इस गाड़ी को रात में नहीं चलाया है, बट फीचर के तौर पे जो चीज़ें इसमें मिलती हैं वो बहुत अच्छी हैं, ऑलरेडी मैंने अपने नेक्सॉन वाली वीडियो में इसका जिक्र कर रखा है, तो फीचर रिपीटेड कह सकते हैं क्योंकि सीएनजी में फीचर्स डाल दिया है, ये अच्छी बात है, बट कार तो नेक्सॉन ही है तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा और चलाते हैं और आपको माइलेज बताएंगे सीएनजी वाला लगभग कितना इसे मुझे दिया है, थोड़ा सा आपको जिक्र करके बताया भी है मैंने, बट फिर भी बताएंगे आपको लास्ट में। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं तो उसे आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाओगे, आराम से जैसे मर्जी वैसे ब्रेक करिए। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के सहारे टाटा ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, बहुत सारी टाटा की सीएनजी गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं और नेक्सॉन सीएनजी में भी ये ट्विन सिलेंडर आपको मिलने वाले हैं।
रेंज मान के चलिए अगर सिटी कंडीशन में चलाएंगे तो 150, 160, 170 मैक्स टू मैक्स आपको दिल्ली एनसीआर के कंडीशन में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप बाहर निकल गए कहीं हाईवे वगैरह पे होंगे तो 200 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है, जब मौका मिलेगा तो करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए गाड़ी आई थी, बस अपना फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। 100 पीएस का पावर आउटपुट अच्छा है, मतलब सीएनजी के सहारे बढ़िया पावर आउटपुट निकाल के दे देती है, और आपका मन ना करे सीएनजी पे चलाने के लिए तो सीधे आप पेट्रोल पर लगा लीजिए, एक छोटे से बटन से, मतलब वहीं पर टच वाला है, सीएनजी पे दबाइएगा, पेट्रोल पे गाड़ी चले जाइएगा, भगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीएनजी पे चलाने का मन नहीं है तो। लेकिन अगर पैसा बचाना है तो इन दो सिलेंडर के सहारे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। दो सिलेंडर यहाँ लग गए तो क्या हुआ, बूट बचा हुआ है, मतलब आपको एक सामान रखने की जगह मिल जाती है। 60-40 में सीट भी फोल्ड हो जाता है, जिससे और आप सामान रख सकते हैं, सिर्फ दो लोग ट्रेवल करने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसका जो स्पेयर व्हील था वो कहाँ चला गया, तो यहाँ पर झाँक के देखना पड़ेगा, नीचे स्पेयर व्हील आपको नजर आएगा, वो यहाँ पर दे दिया है, तो उसको हटाया नहीं है, तो इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से देखेंगे तो टाटा ने बढ़िया काम किया है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, 80 से 100 के बीच में चलाइएगा, सीएनजी आपको बढ़िया रेंज देगी, और वहाँ पर आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, केबिन इंसुलेशन बना रहता है। टाटा की गाड़ियों के हिसाब से अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और इस रंग में लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, और ये भी चीज़ अच्छी है। मुझे लगता है सीएनजी के साथ में काफ़ी कुछ हद तक जस्टिफाई किया है टाटा ने, लेकिन अभी और भी मुकाम आने बाकी है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टाटा की कोई सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं तो आप कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जरा उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ अपना वीडियो बनाना चाहते हैं एक्सपीरियंस का, कस्टमर रिव्यू जो करता हूं मैं, उस पे आना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे डीएम करिएगा, या फिर मेरा ईमेल आईडी है powerownwheel1@gmail.com, यहाँ पर लिखा भी है, इस पर मेल करिएगा अपना पूरा डिटेल, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।